स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बेसिक्स पढ़ लिए थे। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जब एक पीएन जंक्शन डायोड हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बात करी थी हम लोगों ने कि एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, एक डिप्लीशन लेयर आ जाती है, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर मैंने कुछ शो करके बताया था। और पोटेंशियल बैरियर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसके अक्रॉस जनरेट हो जाता है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस, जिसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली इधर से उधर फ्लो नहीं कर पाते हैं। अब होल्स के साइड, जिस तरफ होल्स थे मतलब जिस तरफ पी था, तो पी के साइड हमें ये पता है कि अगर हम उसी सेमीकंडक्टर को दोबारा बनाएं जो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में एक तरफ पी और एक तरफ एन जो दे दिया था हम लोगों ने, तो उसी को अगर हम दोबारा बनाएं तो हमें ये पता है कि जिस तरफ होल्स ज्यादा थे मतलब पी साइड को हमने ऐसे शो किया था, नेगेटिव इज द फिक्स्ड, नेगेटिव इज फिक्स एट देयर प्लेस, और पॉजिटिव जो था वो फ्रीली मूव कर रहा था। पॉजिटिव इज होल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां से होल्स कम हो गए थे ऑब्वियसली, तो अगर होल्स कम हो गए थे तो दिस होल इज गॉन, दिस होल इज गॉन, ऐसा करके हमने कुछ बनाया था यार। और सिमिलरली ऑन दिस साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द एन साइड, जहां पर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है हमारे पास चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में, वहां पर इनिशियली ऐसा बनाया गया था दैट पॉजिटिव बड़ा वाला इज फिक्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे बना रहे हैं दे कैन मूव एक जगह से दूसरी जगह। तो हम लोग इसको और इसको हटा देते हैं, तो अब हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ बन गया था। मतलब पी साइड में एक नेगेटिव चार्ज ओवरऑल दिखने लगा था, ये देखो पी साइड में एक नेगेटिव चार्ज दिखने लगा है एंड एन साइड में एक पॉजिटिव चार्ज दिखने लगा है, जिसकी वजह से होल्स जो है वो एन साइड नहीं जा पा रहे हैं। दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। होल्स ऑफ पी साइड एन साइड नहीं जा पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड पी साइड नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा कि हमारे जो मूवमेंट है वो करीब करीब रुक जाता है, ऑल्दो देयर इज सम मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उसकी वजह से एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का भी इक्वल मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी में बढ़ते हैं। तो अगर मैं पी साइड में पॉजिटिव ऑफ बैटरी लगा दूं और एन साइड में नेगेटिव ऑफ बैटरी लगा दूं, ठीक है, तो पी साइड में पॉजिटिव, एन साइड में नेगेटिव, बहुत आसान है याद रखना। पी साइड में अगर पॉजिटिव लगा दूं और एन साइड में नेगेटिव लगा दूं तो होगा क्या? देखो, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहां पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। एन साइड में देख रहे हो तुम, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये भाग के जाएंगे इस तरफ, ये जाने लगेंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिल रहा है। सिमिलरली ये जो होल्स हैं इस तरफ हमारे पी साइड के, ये होल्स को भी इस तरफ रिपल्शन मिल रहा है, तो ये होल्स भी भागेंगे इस तरफ। अच्छा, जब हम वायर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें होल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में समझें तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहे होंगे, जिसको हम उल्टा डिनोट करते हैं कि होल्स यहां से अंदर जा रहे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। और सेमीकंडक्टर्स में होल वर्ड यूज किया जाता है, बट कंडक्टर्स में होल्स नाम का कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए वायर्स में कभी होल्स मत बनाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब वो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन बाहर खींचोगे तो क्या होगा, होल क्रिएट होगा ना, तो वो होल उस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, होल जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड जंक्शन। ये जो होता है ना, ये जो बीच की चीज, इसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। चलो, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोला हमने इसको, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड। अब हुआ क्या है, जब हम ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ करंट फ्लो होने लगा है, अपने आप ही होने लगेगा। तुम देखो सिंपल सी चीज कि तुमने इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ पुश कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को उस तरफ पुश कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ करंट फ्लो होने लगा है और इस डायरेक्शन में एक करंट आ गया है इसके अंदर। देख लो तुम गौर से, तुम गौर से देखो इसके अंदर एक इस डायरेक्शन में करंट आ गया। ये देखो, ये होल्स आए, ये होल आ रहा है, ये होल आया, होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये होल आया, ये एक होल आया, ये होल इस तरफ आगे बढ़े और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आगे बढ़े, तो होल जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ओवरऑल एक करंट फ्लो करने लगता है फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एक करंट फ्लो करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। अब देखो एक और चीज, अगर बाय चांस हमने बैटरी को उल्टा लगाया होता तो क्या होता, अगर हमने बाय चांस बैटरी को उल्टा लगा दिया होता तो क्या होता, एक बार समझते। तुमने बैटरी लगा दी इस बार इधर नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज हेयर,
यहां नेगेटिव पोटेंशियल हो गया है, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है कि यहां पर नेगेटिव फिक्स था एंड होल्स मूवेबल थे, यहां नेगेटिव फिक्स था होल्स मूवेबल थे, यहां पर पॉजिटिव फिक्स था इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल थे, यहां पॉजिटिव फिक्स था इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल थे। अब तुम देखो जरा इस चीज को कि यहां पर तुमने दिया है नेगेटिव जो होल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो होल्स का मूवमेंट इधर करवाएगा, वो होल्स का मूवमेंट इधर करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर करवा रहा है। अब तुम सोचो ऑलरेडी जो हम लोगों ने यहां पर पोटेंशियल बैरियर बनाया था, जो डिप्लीशन लेयर हमने यहां पर बनाई थी, वहां पर वैसे ही कमी थी होल्स की इस तरफ, और राइट साइड में कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की। तुमने और इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर खींच लिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरफ खींच रहे हो भैया, तुम इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर खींच रहे हो, होल्स किस तरफ खींच रहे हो, इस तरफ खींच रहे हो। तो ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल ये होगा कि यहां पर और जितने हमारे पास चीजें थी, और हमारे पास जितने थे, जितने हमारे पास फ्री थे, बताता हूं, बना के बताऊं, क्लियर हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज था, इसके पास जो होल था ना, वो गायब हो गया, चला गया छोड़ के इसे। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था, इसका भी होल इसको छोड़ के चला गया। यहां जो पॉजिटिव चार्ज था, इसके इलेक्ट्रॉन को भी बैटरी ने खींच लिया। यहां जो पॉजिटिव चार्ज था, इसके इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने खींच लिया। तो ओवरऑल यहां से ये समझ में आया कि डिप्लीशन लेयर को अगर तुम गौर से देखोगे, तो अब डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी नहीं होके, डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज हो गया है, पोटेंशियल बैरियर बड़ा हो गया है। यानी कि अगर हम उल्टी बैटरी लगा देंगे तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट होगा लेकिन नहीं, फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा करंट, क्योंकि तुमने पोटेंशियल बैरियर को एक्चुअली और बड़ा कर लिया है, और कुछ तो किया नहीं तुमने। इस तरफ से थोड़े से होल निकाल लिए, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब तुम देखो एक चीज यहां पर, ये जो चीज है ना, ये अपने आप में एक और बड़ी बैटरी हो गई है जो कि उस वाली बैटरी को अपोज कर रही है। देखो इसका पॉजिटिव किस तरफ है, इसका पॉजिटिव इज टुवर्ड्स एन साइड एंड नेगेटिव इज टुवर्ड्स पी साइड। तुम देखो ये जो बैटरी बनी है, मतलब डिप्लीशन लेयर जिस बैटरी की तरह बिहेव करेगी, ये अपोज कर रही है हमारी लगाई हुई बैटरी को, मतलब ये बड़ी होती जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर बड़ी होती जाएगी अंटिल इट स्टॉप्स द करंट कंप्लीटली। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर इतने ज्यादा नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर दिए हैं, समझो इस बात को, कि यहां पर तुमने इतने ज्यादा नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर दिए हैं कि अब वो भी होल्स को खींचने लगेंगे, ये भी इन होल्स को खींचने लगेंगे, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज भी खींचने लगेंगे अंटिल इट स्टॉप्स द करंट। तो करंट यहां पर स्टॉप हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया कैसे भाई, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत फ्लो हो गए, फ्लो होने की वजह से अंदर इतने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हो गए, अब वो फ्लो ही नहीं करने देंगे, तो डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ गया और करंट रुक गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस जब हम बैटरी को उल्टा लगा देते हैं। उल्टा मतलब नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और पी साइड, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द डायोड यानी कि एन साइड, बिकॉज पी और एन मतलब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही होता है। तो ये उल्टा लगा देने का मतलब होता है डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ जाना। डिप्लीशन लेयर का साइज जब बढ़ेगा तब तो करंट फ्लो करता है, लेकिन फिर करंट रुक जाता है, फिर करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। और जब हम लोग फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो डिप्लीशन लेयर का साइज एक्चुअली कम हो जाता है। तुम देखो डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है, तुम होल्स को इधर पुट कर रहे हो, अंदर डाल रहे हो, और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ डाल रहे हो, जहां पर कमी थी वहां पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, जहां होल्स की कमी थी वहां होल सप्लाई कर रहे हो, तो तुम डिप्लीशन लेयर का साइज छोटा कर रहे हो। तो ऐसे केस में डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं आगे, अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी पोटेंशियल बैरियर की हाइट थी, वो रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ थी वो फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है और डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो रिवर्स बायस में बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ग्राफ की। याद रखना कि जब भी पी से एन करंट जाता है तो इसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव करंट, इसको हम लोग पॉजिटिव करंट बोलते हैं, इसको याद रखना। जब भी पी से एन साइड जाएगा ना करंट, तो हम उसको पॉजिटिव करंट बोलते हैं। तो अब मैं ग्राफ बना के बताता हूं तुम्हें। फॉरवर्ड बायस में जब अपन बैटरी लगाएंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव बैटरी, और रिवर्स बायस में जब बैटरी लगाएंगे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव बैटरी। यानी कि ये वाला जो रीजन रहेगा हमारा, ये वाला, दिस विल बी रीजन ऑफ रिवर्स बायस, दिस विल बी रीजन ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। और ये जो रीजन रहेगा, दिस विल बी रीजन ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज डिनोट हो रहा है माइनस वी, ये हमारा करंट, ये हमारा माइनस करंट,
मतलब नेगेटिव करंट किसको बोलेंगे, जब एन से पी बहेगा। ठीक है, सुनना, अब सुनना। अब पहले अपन फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में आइडियली 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 क्या होगा, आइडियली ये होगा कि तुमने जब बैटरी लगाई, तुम समझना इस चीज को, ये जो जंक्शन है ना, चलो थोड़ा सा रफ करता हूँ, एक चीज ये रफ करता हूँ, ठीक है। देखना, जब तुमने ये बैटरी लगाई होगी, देखो गौर से इस बैटरी को, जब तुमने ये बैटरी लगाई होगी तो बैटरी का पॉजिटिव इज ऑन द पी साइड और नेगेटिव इज ऑन द एन साइड। बट डिप्लीशन लेयर को गौर से देखो तो डिप्लीशन लेयर अपने आप में एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका पॉजिटिव ऑन दिस साइड एंड नेगेटिव इज ऑन दिस साइड। ऐसे बिहेव कर रहा है डिप्लीशन लेयर, देखो गौर से, डिप्लीशन लेयर का पॉजिटिव इज ऑन द एन साइड एंड नेगेटिव इज ऑन द पी साइड। तो डिप्लीशन लेयर का ऐसे बिहेवियर है, तो ये पोटेंशियल बैरियर है, ये हमें पता है, ये पोटेंशियल बैरियर है, और ग्राफिकल फॉर्म में भी हमने बना के देखा था, तो ऐसा पोटेंशियल बैरियर बनाया था। अगर तुम इस पोटेंशियल बैरियर को से ज्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे तभी करंट फ्लो करना चाहिए, आइडियली तभी करंट फ्लो करना चाहिए जब तुम इस पोटेंशियल बैरियर से बड़ी बैटरी लगाओगे, क्योंकि अंदर डिप्लीशन लेयर एक खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तुमने बैटरी लगाई तो उससे बड़ी लगाना ताकि वो उसको ओवरकम कर जाए। ओवरकम करने के बाद हम बोल सकते हैं कि अब ओवरकम करने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि अब इसके अंदर करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, ओवरकम करने के बाद इसके अंदर करंट फ्लो हो पाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लेते हैं कि अगर दिस इज द पोटेंशियल बैरियर, दिस वैल्यू इज द पोटेंशियल बैरियर, वी वोल्टेज है कुछ, इज द पोटेंशियल बैरियर, तो मैं बोल सकता हूं कि ग्राफ इसके बाद स्टार्ट होगा। और एक बार जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं सिलिकन के लिए पोटेंशियल बैरियर इज 0.7 वोल्ट, याद रखना है क्या सर? हाँ याद रखना है। जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट, याद रखना है क्या सर? हाँ याद रखना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं इनके ऊपर वैल्यूज याद रखने के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर सिलिकन के लिए 0.7 वोल्ट है, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं सिलिकन का, अगर सिलिकन के लिए 0.7 वोल्ट है तो 0.7 वोल्ट से बड़ी बैटरी लगाना पड़ेगी अगर तुम चाहते हो करंट है, करंट चाहते हो। अगर 0.7 वोल्ट से छोटी बैटरी होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही तुम 0.8 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, सुनना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज 0.1, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस है ही नहीं, पोटेंशियल बैरियर जरूर था बट रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियली आइडियली इस मटेरियल का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, जो मटेरियल हमने यूज किया है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका पोटेंशियल बैरियर है। तो 0.7 वोल्ट का अगर ये पोटेंशियल बैरियर शो कर रहा है, तो 0.7 वोल्ट से कम लगाओगे अगर पोटेंशियल, तो कोई करंट नहीं होगा। लेकिन 0.7 वोल्ट से जैसे ही तुम्हारा करंट पोटेंशियल बढ़ेगा, हाई करंट विल फ्लो इन साइड द सर्किट, मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस ये डायोड खराब भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ते हैं इस सर्किट में, बट अगर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो हाई करंट कैन फ्लो इन द सर्किट, तो उसको ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे बनाया जा सकता है। ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, जीरो करंट चला अप टू 0.7 वोल्ट, और 0.7 के बाद देख रहा हो कितना तेज बढ़ा, और नियरली ये सीधी लाइन होती है, वर्टिकल, नियरली एक वर्टिकल लाइन यहां पर बनती है कि वोल्टेज जरा सा भी अब और बढ़ाया, करंट शूट, और बढ़ाओगे करंट और बुरा शूट, तो बहुत खतरनाक करंट इसके अंदर शूट कर जाता है। ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी होता है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस, इसको कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से पढ़ा जाता है। तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल डायोड, समझना, अभी बनाना मत क्योंकि मैं मिटा दूंगा। दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल डायोड। अब देखो उल्टा लगाया, जब हमने उल्टा लगा दिया मतलब वोल्टेज नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव हुआ। अब देखो एक बार करंट की डायरेक्शन सोचो, करंट की डायरेक्शन सोचो जरा, करंट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये डायरेक्शन मिली थी फॉरवर्ड बायस में पी टू एन, बट यहां पर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एन टू पी, दिख रहा है ये होल्स किस तरफ भाग रहे हैं, ये देखो ये होल्स भागे और ये इलेक्ट्रॉन भागे, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ भागते हैं उसके अपोजिट करंट होता है, तो करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम एन टू पी, पी टू एन नहीं है, तो पी टू एन करंट इज पॉजिटिव, एन टू पी करंट इज नेगेटिव, तो एन टू पी यहां पर करंट आ रहा है, मतलब जो भी मैं रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा ग्राफ में वो मैं नेगेटिव करंट के लिए बनाऊंगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी ये, चलो तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव हो गया। ठीक है चलो बनाते हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है मैं जैसे ही नेगेटिव में लगाता हूं तो जैसे बैटरी उल्टी लगाता हूं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करंट बहता है, लेकिन अपन ओवरऑल बात करें तो करंट रुका रहता है, बहेगा थोड़ा सा इधर उधर होंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर रुक जाएगा करंट, रुक जाएगा करंट, तो करंट रुक जाएगा, करंट रुक जाएगा मतलब करंट होगा ही नहीं, करंट होगा ही नहीं,
करंट रिमेन्स जीरो इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जब भी लगेगा तो करंट हम कितना बोल देंगे कि करंट जीरो। ठीक है, तो करंट जीरो जीरो ही रहता है, करंट जीरो जीरो ही रहता है, करंट जीरो जीरो ही रहता है, करंट जीरो जीरो ही रहता है। तो नेगेटिव में कितनी भी बड़ी बैटरी लगा दो करंट जीरो जीरो ही रहता है। अचानक से ऐसा है, सही क्या हुआ सर? ये हुआ डायोड टूट गया। टूट गया मतलब ब्रेकडाउन हो गया। डायोड नहीं टूट गया, ऐसा नहीं हुआ, डायोड नहीं टूटा। डायोड के अंदर क्या था तुम सोचो। डायोड इज मेड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस थोड़े फ्री थे पी टाइप में, नेगेटिव चार्जेस फ्री थे एन टाइप में। अब तुमने करा क्या, तुम यहां पर बड़ी करते जा रहे हो बैटरी, भाई मान ही नहीं रहे हो, तुम बड़ी करते जा रहे हो, बड़ी करते जा रहे हो, बड़ी करते जा रहे हो, यानी कि तुम ओवरऑल कर क्या रहे हो। तुम ये भी सोचो, तुम ये कर रहे हो कि तुम इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाते जा रहे हो तो इवन जो फिक्स चार्जेस है ना वो भी फोर्स फील कर रहे थे, जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी फोर्स फील कर रहे थे, वो फिक्स चार्जेस भी फोर्स फील कर रहे थे, साथ में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी वो फोर्स फील कर रहे थे। तुम सोचो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें ये फोर्स फील कर रहे थे जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा रहे थे। एक टाइम ऐसा आता है जब ये हार मान जाते हैं और सारे चार्जेस तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगते हैं। भागने लगते हैं मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागने लगते हैं। तो यहां से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस भागने लगते हैं और इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस भागने लगते हैं, और वो पॉजिटिव नेगेटिव का जो फ्लो होता है ये कहां से आएंगे, ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे, याद करो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो किस टाइप के थे। जैसे मैं एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां बना के बताऊं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑन द लेफ्ट साइड अगर मैं बनाऊं तो ये मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन और इसको मैं बना दूंगा पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस शेल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन में भागे, और पॉजिटिव चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील हुआ वो उस डायरेक्शन में भागे। तो यहां पर हम बोलते हैं कि दिस इज अ ब्रेकडाउन, यहां पर दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। और हमारे कोर्स में एक ही ब्रेकडाउन है जिसका नाम है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन मतलब ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं इससे ज्यादा जरूरत नहीं इस पढ़ने की, जीनर ब्रेकडाउन हुआ है। जीनर ब्रेकडाउन मतलब जीनर एक साइंटिस्ट का नाम है, जीनर ने निकाला होगा, जीनर का नाम रख दिया, जीनर ब्रेकडाउन हुआ। जीनर ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, अचानक से करंट जो है बहुत खतरनाक शूट करेगा। इसलिए शूट करेगा करंट क्योंकि अब चार्जेस फ्री हो गए हैं मूव करने के लिए, बहुत सारे चार्ज कैरियर क्रिएट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एट जीनर ब्रेकडाउन, एट जीनर ब्रेकडाउन अ लॉट ऑफ चार्ज कैरियर्स आर क्रिएटेड, आर क्रिएटेड, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हो जाता है, नेगेटिव साइड करंट बहुत बड़ा बहने लगता है, तो इसलिए बहुत बड़ा एक इसके अंदर करंट आ गया। ठीक है, अच्छा अगर कभी भी तुम्हारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी इस टाइप की चीज अगर तुम्हारे सामने आती है, अच्छी मैंने लिखा वो तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा तो अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए मैंने जो अभी अभी लिखा। ठीक है, अब तुम्हारे पास जब भी एक डायोड रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये डायोड ही तो है। ठीक है, जंक्शन डायोड, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे नाम होता है। तो जब भी तुम्हारे पास एक डायोड आएगा तो दो तरीके के सिंबल तुम्हें डायोड में मिलेंगे, कभी ऐसा सिंबल मिलेगा, कभी ऐसा सिंबल मिलेगा। सिंबल में इस नाम छुपा हुआ है, सिंबल में नाम छुपा हुआ है। ये जो है दिस पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट जो, फिर से बना के बताता हूं फिर से। अब देखो इसको तुमने याद तो कर लिया क्या है, फिर से बनाता हूं, स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, सिंबल में नाम दिख जाएगा। एरो, दिस इज एन एरो, एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। दीवार, दीवार डिनोट्स करंट नहीं फ्लो करने देंगे। ठीक है, अब बताओ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना अलाउड है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करना अलाउड है वो होता है पी टू एन, तो दिस इज अवर पी साइड, दिस इज अवर एन साइड। तो एक्चुअली ये जो हमने सिंबल बनाया है दिस इज अ सिंबल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें एरो जिस तरफ से स्टार्ट हो रहा है वो पी साइड है और दीवार जिस तरफ होती है वो एन साइड। ठीक है, ये सिंबल ये डिनोट करता है कि अगर करंट इस डायरेक्शन से आएगा तो
तो दीवार मिलेगी उसे, वो करंट फ्लो नहीं होने देगा। और अगर करंट इस डायरेक्शन से आएगा तो उसे एरो मिलेगा, करंट फ्लो होने देगा। ऑल दो हमें पता है कि अगर ये सिलिकन का या जर्मेनियम का मान लें इस बार, अगर ये जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा तभी इसके अंदर से करंट फ्लो हो पाएगा। और अगर इसके अंदर से तब करंट फ्लो हुआ, पीएन जंक्शन डायोड में से करंट फ्लो हुआ, तो पी से एन करंट इजिली फ्लो करता रहे, एन से पी नहीं करने देगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ सिंपल डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ सिंपल डायोड। अच्छा, ये फिर दूसरा सिंबल किस चीज का है? ये दूसरा सिंबल है कि ये दीवार की जगह इस बार जेड लिखा हुआ है। गौर से देखो, ये दीवार की जगह इस बार जेड लिखा हुआ है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीवार एंड जेड, कॉम्बिनेशन है ये एक दीवार का और एक जेड का। तो ये क्या डिनोट करता है? जेड मतलब होता है जीनर, जेड मतलब होता है जीनर। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन से करंट आएगा, इस डायरेक्शन से करंट आएगा, और अगर वो वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा हुआ, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा हुआ, जैसे मैं अप्लाई करके बता दूं, कैसे लगाया है? रिवर्स बायस में लगा है, ठीक है, रिवर्स बायस में लगाया है। अब मान लेते हैं अपन जीनर वोल्टेज की कुछ वैल्यू है, लेट्स से जीनर वोल्टेज की वैल्यू है 3 वोल्ट, ठीक है, 3 नहीं बोलना चाहिए, -3 लिखना चाहिए लेकिन ग्राफ में, बट जीनर वोल्टेज की नाउ वैल्यू इज 3 वोल्ट, ठीक है। सो इफ जीनर वोल्टेज इज 3 वोल्ट और तुमने यहां पर 2.5 वोल्ट दिया, तो दीवार का काम होगा, तो दीवार का काम होगा मतलब 3 वोल्ट, -3 वोल्ट से कम तुमने अप्लाई किया है तो करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, देयर विल बी नो करंट इन दिस। बट अगर तुम्हारा यही वोल्टेज 3.5 वोल्ट हो गया तो अब क्या होगा? 3 वोल्ट पे जीनर ब्रेक डाउन हो चुका है, और अगर 3 वोल्ट पे जीनर ब्रेक डाउन हो चुका है तो अब ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो अलाउ कर देगा, ये ऐसे डायरेक्शन में अब करंट फ्लो अलाउ हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जीनर, जीनर डायोड, ठीक है। तो ये दो टाइप के सिंबल तुम्हें दिखेंगे, अपन इनको हटाते हैं अभी और मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस ग्राफ में क्या क्या देख लिया है, थोड़ा सा ग्राफ को वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ग्राफ में हमने देख लिया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड, कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल डायोड। अच्छा, आइडियल आइडियल से बार बार यूज कर रहे हो तो रियलिटी में क्या होता है? चलो पहले एक काम करते हैं, रियल रियल केस और बना लेते हैं, असलियत थोड़ी सी अलग है इससे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इससे असलियत अलग होती है। वो बस थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि सारे जो मटेरियल होते हैं वो कुछ ना कुछ वो तो शो करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल शो तो नहीं करेंगे कंसेप्ट। तो क्या होता है, यहां पर एक्चुअली करंट जीरो नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, अंटिल वी रीच द सेम पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने के बाद वही खतरनाक बढ़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम बनता है असली में, और रिवर्स में, रिवर्स में भी इसी टाइप का, रिवर्स में भी इसी टाइप का, बट रिवर्स में और कम करंट बनाते हैं, और क्लोज रखूंगा मैं एक्सिस के और क्लोज बना रहा हूं इस चीज को मैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपन लोग जीनर ब्रेकडाउन, जीनर वोल्टेज पे पहुंचते हैं, करंट नियरली रीचेज इंफिनिटी एक ही बार में खट से। दिस इज अवर जीनर वोल्टेज, दिस इज जीनर वोल्टेज, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज। सर इसको तो अभी आप पोटेंशियल बैरियर बोल रहे थे, एक ही बात है, ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको नी पॉइंट बोलते हैं। क्यों पता है नी पॉइंट बोलते हैं? ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा, देखना ग्राफ, ग्राफ का शेप, शेप की बात हो रही है, कुछ नहीं, ग्राफ का शेप ऐसा लग रहा है लोगों को, अरे ये तो नी है, ठीक है, तो ग्राफ का शेप नी जैसा लग रहा था तो इसलिए इसका नाम रखा नी वोल्टेज, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है, तो अच्छा है मेरी ड्राइंग अच्छी है इसलिए तुम लोग इतना इजली सीख जाते हो चीजें, नहीं तो पता नहीं क्या होता तुम लोग का। चलो तो ये समझ में आ गया क्या हुआ, ये अपन का प्रैक्टिकल सिचुएशन है, दिस इज प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल ग्राफ, ठीक है। और जैसा तुम लोग को पता ही है, दिस इज अवर आइडियल, आइडियल डायोड। तुम्हें कौन सा यूज करना होगा? ऑब्वियसली अगर तुम्हें ग्राफ बनाने को आएगा तो तुम प्रैक्टिकल वाला बनाओगे, ग्राफ जज करना होगा प्रैक्टिकल वाला जज कर दोगे, बट अगर तुम्हें यूज करना होगा कैलकुलेशंस में, सो ऑब्वियसली हम कभी क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली आइडियल यूज करते हैं, ठीक है। चलो
तो यहां तक क्लियर है? तो बिफोर गोइंग इनटू ज़ीनर ब्रेकडाउन वाला पार्ट, मैं तुम्हें एक बार सिंबल्स बता देता हूं। तो सिंबल्स सिंबल्स ऐसे हैं कि दिस इज द सिंबल ऑफ अ डायोड, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ डायोड एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ ज़ीनर डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग ज़ीनर ब्रेकडाउन अचीव कर लेते हैं, मतलब रिवर्स बायस में करना पड़ेगा वो, तो हम लोग बोलते हैं कि हम ज़ीनर रीजन में आ गए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज़ीनर रीजन। तो इसको भी अगर तुम्हें लिखना है तो ऐसे बना सकते हैं अपन लोग कि इसके इधर वाला पार्ट जो है ना, दिस इज कॉल्ड ज़ीनर रीजन, दिस इज कॉल्ड ज़ीनर रीजन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ज़ीनर रीजन एनीवेज। तो चलो, ये चीज तुम्हें कहानी पूरी समझ में आ गई होगी आई गेस, ठीक है। और अगर तुमसे कोई बोले कि ज़ीनर डायोड किस में लगाया जाता है, फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है कि रिवर्स बायस में लगाया जाता है, भाई लगा तो किसी में भी सकता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी बैटरी है, तुम्हारा ज़ीनर डायोड है, तुम्हें जैसा लगाने लगा, तुम्हें कहीं नहीं लगाना मत लगाओ, लेकिन ज़ीनर फंक्शन चाहिए अगर तुम्हें उसका, तो ऑब्वियसली तुम्हें रिवर्स बायस में लगाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में अगर बोलता है कि ज़ीनर डायोड किस में लगाया जाता है, तो बोल देना ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस में लगाया जाता है। रिवर्स बायस मतलब पी ऑफ डायोड कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी एंड एन ऑफ डायोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ऐसा रहता है। अब एक आध अपन क्वेश्चन देख लेते हैं तो तुम्हें एकदम क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज से रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, देयर इज अ डायोड, देयर इज अ रेजिस्टेंस, एक बैटरी लगी है, ठीक है। देखना, मैं क्वेश्चन में इतना सा चेंज करूंगा और क्वेश्चन पूरा पलट जाएगा, देखना बहुत गौर से देखना। सेम डायग्राम पे दो तरीके क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। 0.5 वोल्ट, ठीक है, दिस इज 1 ओम, ठीक है, और वो एक डायोड है, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है। क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन कैलकुलेट करंट थ्रू 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 की स्पेलिंग गलत हो गई, एच रह गया, कैलकुलेट करंट थ्रू द डायोड, वॉट विल बी द आंसर। डायोड सोचो फॉरवर्ड बायस में लगा है कि रिवर्स बायस में लगा है, किस में लगा है, फॉरवर्ड बायस में लगा है। सर 0.5 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है कि कम है, ये तो लिखा ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि पोटेंशियल बैरियर इज जीरो, है ही नहीं पोटेंशियल बैरियर, तो उसने नहीं बताया है ना, उसने नहीं बताया ना, तो तुम मान लेना पोटेंशियल बैरियर इज जीरो। अगर पोटेंशियल बैरियर जीरो है, करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस विल बी द करंट इन द सर्किट एंड दिस विल बी द करंट थ्रू द डायोड। देखते जाना, मैं तुम्हें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना, इन द फिगर शोन, सेम फिगर, कैलकुलेट करंट थ्रू द सिलिकॉन डायोड। अब बताओ, अब बताओ, आंसर इज जीरो, आंसर इज जीरो। उसने अगर इतना मेंशन कर दिया ना बस सिलिकॉन डायोड है, बिकॉज सिंस सिंस पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज, स्पेलिंग मिस्टेक फिर से नहीं लिख रहा, मेरा मन नहीं हो रहा, सिंस पोटेंशियल बैरियर लिखना पड़ेगा, नहीं तो मानोगे थोड़ी, तुम लोग भी नहीं लिखोगे। सिंस पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से कम अप्लाई करके तुम कुछ नहीं कर सकते, 0.7 वोल्ट से कम अप्लाई किया है ना, पोटेंशियल बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पाओगे, करंट विल बी जीरो। समझते जाना, क्वेश्चन सेम डायग्राम पे तीन क्वेश्चन पूछूंगा, तीन आंसर आएंगे। कैलकुलेट करंट थ्रू द जर्मेनियम डायोड, करंट इज, देखना करंट इज 0.2/1, सर ये क्या किया, 0.5 वोल्ट हमने अप्लाई किया जिसमें से 0.3 तो हमारा लग गया पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने में, क्योंकि सिंस पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम डायोड इज 0.3 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट तो उसमें लग गया, बचा 0.2, तो सिर्फ 0.2 वोल्ट बचा हमारे सर्किट में, 0.2/रेजिस्टेंस कर दिया, आंसर आ गया, दिस विल बी द करंट। तो करंट इज 0.5 एम्पियर, अगर सिर्फ डायोड लिख दे, सिर्फ डायोड लिख दे तो अज्यूम कर लेना देयर इज नो पोटेंशियल बैरियर, अगर वो ऐसा कर दे तो ऐसा आंसर, ठीक है। अब अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही अलग है, मतलब अब ऑब्वियसली फिगर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये पिछला वाला तुम्हें शायद दिखा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक बार अच्छे से रीड कर लो अभी, ताकि तुम्हें दिख जाए सब कुछ। क्या बोला मैंने, जर्मेनियम डायोड के लिए 0.2/1 क्यों आंसर आया, क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट था, ठीक है। चलो अब अगला देखो,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देर इज अ डायोड, रेजिस्टेंस लगा दो सेम, बैटरी लगा दो। नाउ टेल मी, क्या ये डायोड रिवर्स बायस में लगा है कि फॉरवर्ड बायस में लगा है? सोच के बताओ, क्या ये डायोड रिवर्स बायस में लगा है कि फॉरवर्ड बायस में लगा है? जब हम लोग एक डायोड बनाते हैं, जब हम लोग एक डायोड बनाते हैं तो उसमें ये वाला साइड पी साइड होता है और ये वाला साइड एन साइड होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? तो तुम देखो कि पिछली बार जो क्वेश्चन था उसके अंदर पॉजिटिव वॉज कनेक्टेड टू पी साइड, बट दिस टाइम नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड, मतलब दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में तुमने डायोड लगा दिया है। अब देखना गौर से, अगर इसके अंदर ये बैटरी वोल्टेज कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, ये लिख दे 30 वोल्ट, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम हमेशा आंसर लिख देंगे करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। लेकिन इसी जगह पर अगर वो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता, वो ऐसा डायोड बना देता, ऑल दो 30 वोल्ट ऐसा वोल्टेज है जो हम लोग सप्लाई सप्लाई नहीं करते हैं जनरली, किसमें जनरली सप्लाई नहीं करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अब मैंने देखो क्वेश्चन चेंज किया, इस बार मैंने जीनर डायोड लगा दिया, फिर से लिखा मैंने 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस फिर से लिखा मैंने 1 ओम, और अब मैंने बोला बताओ व्हाट इज द करंट। तो नाउ द करंट विल डिपेंड ऑन द जीनर वोल्टेज, अगर तुम्हें जीनर डायोड बना के देगा तो वो तुम्हें जीनर वोल्टेज भी देगा, जीनर वोल्टेज कितना है, तो ऐसा करके लिख के दे देगा, ऐसा लिख देगा, दिस इज द जीनर वोल्टेज। अब तुम बोल लोगे 5 वोल्ट अप्लाई किया है, 3 वोल्ट जो है वो जीनर वोल्टेज है, तो 3 माइनस कर दे, 3 माइनस मत करना। अगर 5 वोल्ट अप्लाई किया है और 3 वोल्ट जीनर वोल्टेज है, तो इससे हम लोग ये सीखे कि 3 वोल्ट से ज्यादा है, 3 वोल्ट से ज्यादा है तो अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, माइनस माइनस नहीं करना है, ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है मतलब अबव 3 वोल्ट जीनर वोल्ट, जीनर डायोड विल बिहेव एज, समझना, शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है मतलब करंट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, खत्म, आंसर, दिस इज द करंट। समझ में आई बात? करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सिंपली ये आंसर है। और अगर बाय चांस ये वोल्टेज 2.5 वोल्ट कुछ होता तो हम बोलते हैं आंसर इज जीरो, तो या तो जीरो या 5/1, सीधा बस दो में से एक ही आंसर होगा। हमें इस बार जो 3 वोल्ट है वो 3 वोल्ट ये डिनोट नहीं करेगा कि 3 वोल्ट उसमें से ड्रॉप हो जाएगा, नहीं, अगर 3 वोल्ट से ऊपर गया तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, मतलब बहुत ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जितना करंट फ्लो करना है उतना करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाएगा, ठीक है? तो दिस विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे पास कंडीशन आएंगी, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन जीनर पे, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं क्योंकि जीनर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करवाना। एक बैटरी है, समझना, दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक डायोड है, कौन सा डायोड है? जीनर डायोड, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। अच्छा, तुम्हें एक तो और फंक्शन बताना पड़ेगा पहले मुझे जीनर डायोड का, तब तुम्हें वो चीज समझ में आएगी, ऑल दो वो मैंने बता दिया है बट तुमने जज नहीं किया होगा, ग्राफ में था। एक ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफ जो बना हुआ है कि जीनर वोल्टेज के बाद तुम देखो अगर इसको गौर से, तो वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो करंट में कितना चेंज हो रहा है? बहुत ज्यादा। तुम देख रहा है हम लोग कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसके इस तरफ वाले रीजन की, दिस रीजन, सिर्फ इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में वोल्टेज में जरा से चेंज से करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है ना? मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि मेहनत करने के बाद भी तुम वोल्टेज चेंज नहीं कर पाओगे, तुम जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं कर पाओगे, अगर तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं कर पाओगे। वंस यू अचीव जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज अचीव होने के बाद वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड कॉन्स्टेंट हो जाता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे, यहां पर अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो हम बोलेंगे द आंसर इज 3 वोल्ट, करंट कितना भी हो, करंट कितना भी हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज विल ऑलवेज बी 3 वोल्ट, ठीक है? चलो अब जा आगे बढ़े, एक चीज बताऊं मैं तुम लोग को,
वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू जीनर वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज जो जीनर डायोड के अक्रॉस होता है वो एक कांस्टेंट होती है वैल्यू, और वो किसके बराबर होता है, जीनर वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने ये 5 वोल्ट लगाया है, समझ लो, अच्छा वंस यू अचीव, ये ऐसे नहीं, वंस अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन जीनर वोल्टेज, अगर तुमने अप्लाई ज्यादा कर दिया तो। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन तो अचीव करना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया तो अब वोल्टेज चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा इसीलिए एक चीज और भी लिखता हूं अब इसके आगे, दैट इज वाई जीनर वोल्ट जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, दैट इज वाई जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मैं छुप जाऊं, दैट इज वाई जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग उतना ही वो वोल्टेज कांस्टेंट रख सकते हैं उसके अक्रॉस। ठीक है, चलो तो ये अगर तुमने 5 वोल्ट लगाया, लेट से मैं यहां पर कुछ रेजिस्टेंसेस तुम लोग को बता रहा हूं, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये है 16 ओम्स और ये जो रेजिस्टेंस है ये है 4 ओम्स। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि व्हाट विल बी द करंट, व्हाट विल बी द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सो करंट आई, या आई बताना है कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी तुम बहुत गौर सुनना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेडब्ल्यू में, बट देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक मेथड जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो जीनर डायोड ब्रेकडाउन मोड में होगा या नहीं होगा। तो हम लोग पहले कंसिडर कर लेंगे दैट जीनर डायोड इज नॉट इन ब्रेकडाउन मोड, पहले ये कंसिडर कर लो जीनर डायोड इज नॉट इन ब्रेकडाउन मोड, और फिर कंसिडर कर लो जीनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन मोड। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर तुम कंसिडर कर रहे हो जीनर डायोड इज नॉट इन ब्रेकडाउन मोड, तो जीनर डायोड इज नॉट इन ब्रेकडाउन मोड को चेक कैसे करोगे, सही कैलकुलेट किया गलत कैलकुलेट किया, तो वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड कैलकुलेट करना और वो जीनर वोल्टेज से कम आना चाहिए। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि जीनर वोल्टेज इज 3 वोल्ट, तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि जीनर के अक्रॉस 3 वोल्ट नहीं हो पाया, और फिर अगर जीनर के अक्रॉस 3 वोल्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ पहले। डायग्राम मिसिंग है बट ठीक है, काम चला लेंगे हम लोग, सही कर लेंगे, अपनी मेहनत थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। हाँ, तो ये था ना, ये है, 2 बार क्यों बनाया, 2 कंडीशन है ना। तो फर्स्ट कंडीशन इज, मान लेते हैं कि जीनर डायोड इज नॉट इन ब्रेकडाउन मोड, अगर जीनर डायोड इज नॉट इन ब्रेकडाउन मोड तो इसमें से करंट, अरे ये तो सीधा लगा दिया मैंने, है ना, गलती कर दी, एक गलती है यहाँ पर, पता है क्या, कि तुमने जीनर डायोड को नॉर्मल लगा दिया। नॉर्मल लगा दोगे पता है क्या होगा, अगर तुम ऐसे लगा दोगे तो वो फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करने लगेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे। तो अपन जीनर डायोड को फिर से बना रहे हैं, इवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो जीनर डायोड फिर से बनाना पड़ेगा, जीनर डायोड को सही तरीके से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीनर डायोड ऐसा लगेगा। ठीक है, अब अगर जीनर डायोड ब्रेकडाउन मोड में नहीं है तो उसमें से करंट कितना जा रहा होगा, 0, क्योंकि वो रिवर्स बायस में, सिंपली अगर वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो वो रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में आइडियली 0 करंट, 0 करंट जा रहा होगा। अब जो भी करंट यानी कि आई यहां से बह रहा है, वो पूरा आई यहां से पार कर रहा है सीधा सीधा, तो मैं किरचॉफ्स लॉ लगा दूंगा इस लूप में, और मैं बोलूंगा 5 माइनस टोटल रेजिस्टेंस इज 20, 20 I इज इक्वल टू 0, I की वैल्यू आ गई 1/4। आई की वैल्यू अगर 1/4 आ गई तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस
16 ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वोल्टेज 16 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 16 ओम के अक्रॉस हो जाएगा आई इंटू आर, करंट इज 1/4 एंड रेजिस्टेंस इज 16, आंसर आ गया 4 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस 16 ओम आ गया 4 वोल्ट, और तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन में क्लियरली कि जितना वोल्टेज होगा 16 ओम के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होगा जीनर के अक्रॉस, यानी कि जीनर के रिवर्स बायस में वोल्टेज कितना अप्लाई हो गया है 4 वोल्ट, और ये जीनर कितने पे टूट जाता है 3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो जीनर लगाया है वो एक्चुअली ब्रेक डाउन हो गया होगा। अगर ये आंसर 3 से कम आता तो मैं बोल देता मैंने सही सॉल्व किया है और कहानी खत्म हो जाती, ठीक है। बट अब मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो, तो यहां पर तो हमने अज्यूम क्या किया, अज्यूम जीनर इज नॉट ब्रोकन, मतलब अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको चेक कर दे, 5 वोल्ट का तुमने लगाया है, सब कुछ बढ़िया बना हुआ है अपन का, 5 वोल्ट का तुमने यहां पर लगाया हुआ है। अब हम लोग मान रहे हैं कि जीनर ब्रेक डाउन हो गया, जीनर ब्रेक डाउन हो गया मतलब ये वोल्टेज तुम्हें पता लग गया कितना होगा 3 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टेज 3 वोल्ट, तो ये वाला वोल्टेज भी हो गया 3 वोल्ट, टोटल 5 वोल्ट है, तो ये वाला वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। समझ में आई बात, समझ में आई, ये वाला वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। अब देखना, अब देखना, अब देखना, ये यहां से जो भी करंट आया होगा, आई करंट हम जिसको बोल रहे हैं, जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से कुछ करंट यहां से पार किया होगा, कुछ करंट यहां से पार किया होगा। लेट्स नेम दिस करंट I1 एंड लेट्स नेम दिस करंट I2। अब I1 की अगर मैं बात करूं, समझना, I1 की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं I1 विल बी इक्वल टू 3/16। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इज 3 एंड रेजिस्टेंस इज 16, तो 3/16 एम्पियर इज द करंट I1। आई की बात करूं अगर, तो आई तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है आई, क्योंकि आई तुम 4 ओम वाले से डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो 4 ओम वाले से तुम बोलोगे डायरेक्टली कि वोल्टेज ड्रॉप इज 2 एंड रेजिस्टेंस इज 4, यानी कि करंट इज 2/4 एम्पियर, सो दिस इज द टोटल करंट आई। अब अगर तुम्हें जीनर के थ्रू भी करंट निकालना है तो तुम निकाल सकते हो I2 इज नथिंग बट I-I1, यानी कि 2/4 - 3/16, एंड दैट इज इक्वल टू 5/16 एम्पियर। तो दिस विल बी द करंट थ्रू जीनर डायोड। जीनर डायोड से कितना करंट क्रॉस कर सकता है या कितना करंट क्रॉस करता है किसी भी केस में, कुछ भी कर सकता है। वोल्टेज के थ्रू हमेशा आंसर निकलेगा। वोल्टेज के थ्रू कैसे, हमेशा मान लोगे कि जीनर अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो उसका वोल्टेज जो है वो फिक्स हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीनर वोल्टेज। अच्छा आई गेस मैंने पिछला क्वेश्चन पर गलत सॉल्व किया हिसाब से ये वाला, क्योंकि अगर वोल्टेज फिक्स हो गया है 3 वोल्ट जीनर पे, तो यहां पर एक्चुअली हमें वही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें एक्चुअली वही कंसेप्ट यूज करना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज फिक्स एंड दैट इज 3 वोल्ट। तो तुम्हें यहां पर पता लग गया है कि ये 3 वोल्ट फिक्स हो गया है, और टोटल 5 वोल्ट था, तो ये वाला 2 वोल्ट हो जाएगा। तो करंट शुड नॉट बी रिटन एज 5/1, करंट शुड बी रिटन एज 2/1। ये करेक्ट आंसर है, दिस इज द बेटर वे, ठीक है। तो ये आंसर होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो अपन लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है। कि जीनर वाले क्वेश्चंस होंगे तो तुम्हें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, एंड इट्स बेटर कि हमेशा पहले यही वाला अजम्पशन लो, तुम्हें ब्रांचेस कम मिलेंगी। अगर तुम कौन सा अजम्पशन पहले लोगे कि जीनर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अगर जीनर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ब्रांचेस, एक ब्रांच में से करंट 0 हो जाता है, तो इजी अजम्पशन है वो। तो जीनर वाले ब्रांच में 0 करंट कर दिया, 0 करंट करके तुमने फिर जीनर के अक्रॉस वोल्टेज निकाला बाय यूजिंग द पैरेलल ब्रांच। पैरेलल ब्रांच से वोल्टेज निकाला, पैरेलल ब्रांच से वोल्टेज निकालने के बाद चेक किया, अगर ये बाय चांस जीनर वोल्टेज से कम आ गया तो काम खत्म अपन का हो ही गया। लेकिन अगर बाय चांस ज्यादा आ गया तो अब तुम्हें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस जीनर विल बी द सेम एज जीनर वोल्टेज, सो ऑब्वियसली उसके पैरेलल ब्रांच में भी सेम वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल ब्रांच में भी सेम वोल्टेज हो गया, उसके बेसिस पे अपन ने आंसर निकाल दिया। अच्छा तुम्हें ये भी समझ में आया ना कि मैंने ये 2 कैसे लिखा, ये 3 लिखा सबसे पहले, तो इसके पैरेलल ब्रांच में भी 3 वोल्ट हो गया, तो ये भी 3 हो गया। अब तुम्हें पता है कि यहां से लेके यहां तक 5 वोल्ट है, और यहां से लेके अगर यहां तक 3 हो गया तो ऑब्वियसली रिमेनिंग 2 यहां तक हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आई कहानी। तो ऐसे हम लोग जीनर वोल्टेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, जीनर को यूज कैसे करना है आई होप ये भी तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो जो भी मैंने आज तुम लोग को पढ़ाया है, इस चीज पूरी चीज को अब तुम्हें नोट करने का टाइम है भाई, ये क्वेश्चंस भी नोट कर लेना, क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे तो वापस वीडियो तो खोलोगे नहीं ऑब्वियसली। तो ये फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, आइडियली क्या करते हैं
अनआइडियली क्या करते हैं कि सिलिकन का और जर्मेनियम का मैंने बताया तो क्यों बताया है, यहाँ पर जो भी चीज लिखी है मैंने क्यों लिखी है, सिंबल्स का मतलब क्या है, सिंबल्स में दीवार एरो सारी चीजें बताई है, नेगेटिव करंट कब यूज करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज कब यूज करते हैं, ठीक है, और वो इसको जीनर वोल्टेज को, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, कि उसको तुम जब भी ब्रेक डाउन मोड में यूज करोगे, जब भी तुम ब्रेक डाउन मोड में यूज करोगे तो जीनर वोल्टेज, जीनर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, तो उसके अक्रॉस पैरेलली तुम कुछ भी लगा दो, अब उसको कांस्टेंट वोल्टेज ही सप्लाई मिलेगा, कुछ भी लगा दो तुम उसके पैरेलली उसको कांस्टेंट वोल्टेज का ही सप्लाई मिलेगा, तो ये बहुत फायदा है ना उसको, तो इसलिए हम लोग जीनर को वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी है ये सारी चीजें नोट कर लो, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को लिखना भी काफी है तुम लोग को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग अब ये जो पढ़ लिया है हमने, अब हम इसके बेसिस पर डायोड का यूज कैसे कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एलईडी, ऑप्टो डायोड, सोलार सेल, रेक्टिफायर्स, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय।